हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारे पास एक रेडमी का फ़ोन है, रेडमी नोट 7 प्रो। तो ये किसी भाई ने इसका गलत फर्मवेयर डाल दिया था, तो इसके कारण से ये फ़ोन डेड हो गया। ये रेडमी नोट 7 प्रो था और इसमें फ्लैश पर रेडमी नोट 7 की उन्होंने चढ़ा दी थी। ठीक है, तो आज हम इसे फ्लैश करके रिकवर करेंगे, इस फ़ोन को ऑन करेंगे। ठीक है, तो अभी आपको मैं दिखा दूँ कि मैं इसे डायरेक्ट फ़ोन कनेक्ट कर रहा हूँ विदाउट एनी की प्रेस किए। तो ये डायरेक्ट कॉम पोर्ट हमारा क्वालकॉम का पोर्ट बना रहा है। ठीक है, जैसा कि आइडियल मोड में ऑटोमेटिकली जा रहा है। ठीक है, आपको मैं दिखा दूँ कॉम पोर्ट इसका। तो ये डायरेक्ट कॉम पोर्ट हमारा क्वालकॉम का बना रहा है, आइडियल मोड में जा रहा है। ठीक है, तो आज हम इसे फ्लैश करेंगे UMT डोंगल से, क्योंकि MI फ्लैश टूल से होती नहीं, ऑनलाइन टूल है। तो ये अगर आप MI फ्लैश टूल से करते हो, इसके लिए आपको MI ऑथोराइज अकाउंट होना चाहिए, तभी ये होगा। तो आज इसे हम ऑफलाइन करेंगे UMT से फ्लैश हो जाता है। ठीक है, चलिए आपको डायरेक्ट अब हम कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाते हैं। तो अभी हम आ गए कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो ये हमारा वायलेट 12.0.5.0 वर्जन है, लेटेस्ट वाला है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिल्कुल ये लेटेस्ट फाइल है, 2.57 GB की है ये फाइल। तो इसे मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फ्लैश फाइल। ठीक है, अब हम आपको इसको फ्लैश करने के लिए दिखाएंगे। तो डायरेक्ट हम UMT का QC फायर टूल ओपन करेंगे, जो हमारा क्वालकॉम होता है। ठीक है, तो सिंपली हम QC फायर ओपन करने के बाद आपको हम इसे फ्लैश करना स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे और लाइव दिखाएंगे कि फ़ोन हमारा ऑन होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम आते हैं UMT QC फायर पर। ठीक है, ये मेरा लेटेस्ट वर्जन 6.9 है, जो अभी फिलहाल का सबसे लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, तो सिंपली हमें फ्लैशर पे ही रहना। फर्स्ट में प्रोग्राम पैच दोनों पे टिक कर लेना। ठीक है, फिर 3 डॉट पे जाके हमें फर्मवेयर इसका सेलेक्ट कर लेना, जो हमने डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट करके रखा है। ठीक है, सिंपली हम डेस्कटॉप पे जाएंगे और वायोलेट का नाम से जो इसका फाइल है सबसे फर्स्ट में, वो हमें सेलेक्ट करना, ओपन करना फाइल। ठीक है, तो सिंपली हम इसे ओपन करेंगे, एक इमेज में जाएंगे, ये रहा फाइल, सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ओके कर देंगे। सिंपली फिर हम 3 डॉट पे जाएंगे, यहाँ से पैच 0 सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब सिंपली हमें फ़ोन को कनेक्ट करना है। तो फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए भाई वॉल्यूम प्लस माइनस दबा के तो ये कनेक्ट होता नहीं है, ये होता है टेस्ट पॉइंट से। ठीक है, तो हम इसका टेस्ट पॉइंट भी कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। अगर नहीं चाहते हो तो, अगर डायरेक्ट ये क्वालकॉम पोर्ट में भी जा रहा तो हमें इसे फ्लैश करने के लिए टेस्ट पॉइंट से शॉर्ट करके कनेक्ट करना चाहिए, वो बेटर रहता है। तो हम बैटरी का डिसकनेक्ट करके वॉल्यूम को टेस्ट पॉइंट से शॉर्ट करेंगे। ठीक है, टेस्ट पॉइंट शॉर्ट करके फ़ोन को फिर से कनेक्ट करेंगे, उसके बाद फ्लैश पे डिकोड कर देंगे। ठीक है, चलिए फ़ोन को हम कर लेते हैं कनेक्ट। तो हमें सिंपली फ़ोन को कनेक्ट करना है टेस्ट पॉइंट शॉर्ट करके, हमें डाटा केबल इंसर्ट कर देना है। ठीक है, तो चलिए आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए, मैं फ़ोन को कनेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसा कि मैंने फ़ोन को टेस्ट पॉइंट से शॉर्ट करके कनेक्ट कर लिया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कॉम पोर्ट शो कर रहा होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिंपली फ्लैश पे डिकोड कर देना है। ठीक है, जैसा कि फ्लैश है, फ्लैश पे हम प्रेस कर देंगे, ये हमारा फ़ोन फ्लैश होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली हम अभी इसे फ्लैश पे देते हैं, ये डाटा केबल शायद हिल गया, हम फिर से कनेक्ट करता हूँ। हमें टेस्ट पॉइंट्स के थ्रू इसे कनेक्ट करना है, डायरेक्ट नहीं करना, क्योंकि डायरेक्ट डालने के बाद भी एक क्वालकॉम पोर्ट में जा रहा है, बट मेरे को डायरेक्ट नहीं लेके जाना, टेस्ट पॉइंट के थ्रू लेके जाना। ठीक है, तो हम सिंपली टेस्ट पॉइंट के थ्रू लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वालकॉम का पोर्ट आ चुका है, जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ क्वालकॉम का पोर्ट आ गया है। अब सिंपली हम इसे फ्लैश पर टिक देंगे। ठीक है, और वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा जब फ्लैशिंग ये स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को भी लाइक कर दे। तो चलिए हम सिंपली फ्लैश पे टिक कर देंगे। ठीक है, ये हमारा फ्लैश होना स्टार्ट हो गया।